A very warm evening to my dear students of class 9. Today I am going to give you the summary of the story The Little Girl, which is in your beehive of NCERT for class 9. So as the title suggests, The Little Girl, तो ये इस कहानी में एक छोटी सी लड़की है, वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है. एंड द नेम ऑफ द गर्ल इज़ केजिया. ठीक है, तो इस कहानी का इसके अलावा जो मेन इम्पॉर्टेंट थीम है स्टोरी का, वो ये है कि द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रंस. आपके भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप भी बच्चे हैं, तो किस तरह से एक पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है, वो चीज़ को राइटर कैथरीन मैंसफील्ड ने ये बताने की हम लोगों को कोशिश की है. ठीक है, एंड वो ये हम लोगों को अपनी स्टोरी से ये बात कहना चाहती हैं, सी हैज़ ट्राइड अस टू टेल अस कि चिल्ड्रेन शेयर अ वेरी डीप बाउंड ऑफ लव विद देयर पेरेंट्स. है ना, आप लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत ही डीप लव बाउंडिंग शेयर करते हैं. तो राइटर कैथरीन मैंसफील्ड ने इसी चीज़ को हम लोगों को बताया है कि चिल्ड्रेंस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटूट डीप बाउंड ऑफ लव जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं. इवन जब वो यंग, व्हेन अ चाइल्ड इज़ वेरी यंग, ठीक है, तो उस टाइम में भले ही उसको अपने पेरेंट्स का लव उतना एहसास नहीं हो, उन्हें बार बार ऐसा लगे कि उनके पेरेंट्स उसे डांटते हैं या स्ट्रिक्ट है या और सब पेरेंट्स की तरह फ्रेंडली नज़र नहीं आते या उनके साथ अनफेयर है, इस तरह से बहुत सारे यंग चिल्ड्रन को महसूस होता है. बट जैसे जैसे कि एक चाइल्ड ग्रो करता है तो वो रियलाइज़ करता है कि उनके पेरेंट्स जो उनके तरफ जिस तरह से एक्ट करते थे वो उनके लिए फेवरेबल ही था, वो बच्चों के लिए क्या था, फ़ायदेमंद था. ठीक है, इट वॉज, ये ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहना चाहते थे, बट इट वॉज बिकॉज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द चिल्ड्रेन. इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि ऑल अलॉन्ग द पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से पेरेंट्स जो है वो भले कितने ही स्ट्रिक्ट हो, बट जो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं उनका जो हार्ट होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है, फुल ऑफ लव होता है. ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है या रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, बट दैट पेरेंट्स होल्ड अ ग्रेट लव फॉर देम, अ वेरी स्ट्रॉन्ग लव, अ वेरी प्रोटेक्टिव लव फॉर देम. ठीक है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम लोग देखेंगे स्टोरी में कि दैट हाउ एंड वॉट काइंड ऑफ बॉन्ड ऑफ लव एग्जिस्ट बिटवीन अ पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रेन. ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको इस स्टोरी को समराइज करेंगे कि स्टोरी में एक्चुअली क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी इस तरह से है, द समरी इज़ दैट कि विल सी इन दिस पैराग्राफ कि दैट देर इज़ अ लिटिल गर्ल जिसका नाम केजिया है, वो अपने फादर के साथ, मदर के साथ और अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती है. एंड दिस गर्ल इज़ क्वाइट अफ्रेड ऑफ हर फादर, वो अपने फादर से बहुत डरती है और वो अपने फादर को ऑल द टाइम जो है वो लगभग अवॉइड करना चाहती है. ठीक है, मोर ओवर सी फील्स कम्फर्टेड ऑन सीइंग हर फादर व्हेन ही लीव्स फॉर ऑफिस. तो यहाँ पे जब उसके फादर जब वो ऑफिस को चले जाते हैं या वो घर पे नहीं रहते और जैसे कि वो कैरिएज का आवाज़ सुनती है रोड को क्रॉस करते हुए, तो उस टाइम जो है वो बहुत रिलैक्स फील करती है. ठीक है, सो इस पैराग्राफ से हम लोगों को पता चल जाता है कि वो लड़की जो है, वो लिटिल गर्ल केजिया जो है, वो कितना अफ्रेड है अपने फादर से, दैट सी मम्बल्स इन फ्रंट ऑफ हिम. ठीक है, क्योंकि वो रूड उसको अपेयर होते हैं, जब वो बात नहीं कर पाती अपने फादर के सामने, वो बहुत ही डरी हुई रहती है, डर से उसकी आवाज़ जो है वो ब्लैबरिंग करता है, मम्बल्स करता है. ठीक है, सी स्टैमर, इस तरह से ऐसा इसलिए क्योंकि उसके सामने उसके फादर जो है वो बहुत ही रूड, क्रिटिकल, हार्श और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर वो लड़की को दिखने के लिए मिलता है, दैट इज़ वाई. इसके अलावा यहाँ पे जो उसकी ग्रैंड मदर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करती है, एज वेल एज सी वो चाहती है कि बच्चे के दिमाग में कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, तो सी मेक्स हर अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स जो है वो भी उनसे बहुत प्यार करते हैं. ठीक है, और वो यूजुअली अपनी पोती को, ठीक है, वो क्या करती है, वो अपने पेरेंट्स के पास जाए,
डाइनिंग रूम में जाए, वहाँ पे पेरेंट्स के साथ वो टाइम गुजारे, इस तरह से वो ग्रैंडमदर जो है वो उसको पर्सुएट करती है। केजिया जो है वो अपनी ग्रैंडमदर के कहने पर वो ड्राइंग रूम में जाती जहाँ पे उसके फादर है, उसकी मदर जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस कि जब वो वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि मदर अपने में बिज़ी है, फादर अपने में बिज़ी है। तो ये सीनारियो देखकर वो थोड़ा सा हर्ट फील करती है कि उसके पेरेंट्स जो है वो इसके तरफ क्या है, कोल्ड हार्टेड है, दे आर नॉट सो मच रिस्पॉन्डिंग जैसा वो एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। सो एक दिन क्या होता है कि उसकी ग्रैंडमदर जो है, केजे की ग्रैंडमदर जो है, वो उसको सजेस्ट करती है कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है, राइट। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन नेक्स्ट वीक जो है तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है, तो क्यों ना केजिया जो है वो अपने फादर के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट तैयार करे, ठीक है। तो कंसिक्वेंटली इस बात को सुनने पर केजिया जो है वो क्या करती है, वो 3 साइज़ का पिन कुशन जो है वो बनाती है ताकि वो अपने फादर को गिफ्ट कर सके। तो वो तैयारी में जुट जाती है कि उसको किस तरह से वो कवर करना है, हाउ शी हैज़ टू मेक इट। बट 3 साइड वो स्टिच कर चुकी है वो कुशन को, बट उसके अंदर जो है वो स्टफिंग क्या करे, तो सी इज़ वेरी कन्फ्यूज कि उसके अंदर वो क्या भरे जो कि स्टफ्ड हो। ओके, सी इज़ वेरी कन्फ्यूज कि वॉट स्टफ शुड बी एड। तो वो अपनी ग्रैंडमदर से सजेशन लेना चाहती, पर ग्रैंडमदर जो है वो वहाँ पे नहीं मौजूद होती है उस टाइम। तो वो सर्च करते करते अपने पेरेंट्स के रूम जाती है और वहाँ रूम के किनारे उसे जो है वो एक बेड टेबल मिलता है। उस बेड टेबल पर वहाँ पे वो बहुत सारा फाइन पेपर शीट फाइंड करती है। वो उसको लेती है, बड़े आराम से उसको वो फाड़ देती है और सी फिल दैट पीसेस ऑफ पेपर को वो फिलअप कर देती है अपने कुशन में, ठीक है। और फिर 4th साइड को वो सीज भी कर देती है, सिलकर वो स्टिच कर देती है। उसके बाद शाम में ये होता है कि घर में पूरा सिनेरियो जो वो है वो बहुत चिल्ला चिली का हो जाता है। द सिनेरियो ऑफ द हाउस इज़ वेरी वेरी हार्श, वेरी ओमनियस टाइप, ठीक है। उसके पापा जो है वो बहुत ही गुस्से में हैं और क्योंकि वो खोज रहे हैं कि जो पेपर्स था वो कहाँ चला गया, क्योंकि वो उसके एक इम्पॉर्टेंट स्पीच का पेपर था, बट बहुत खोजने पर भी नहीं मिला। लास्ट में जो है, ठीक है, जब उसकी मदर जाती है केजे से पूछती है तो वो एक्सेप्ट करती है इस बात को कि उसकी गलती है, उसने वो पेपर मदर फादर के रूम से उसने वो पेपर उठाया है और वो पेपर को उसने कुशन में स्टफ कर दिया है, ठीक है। फादर गॉट्स टू एंग्री, ये बात सुनकर फादर जो है वो बहुत गुस्सा होते हैं। इवन कि केजे जो है वो बताना चाहती है कि फादर का बर्थडे था इसलिए मैंने वो चीज़ किया, बट हर फादर इज़ नॉट एट ऑल रेडी टू लिसन एनी एक्सक्यूज़, और वो अपने फादर को एक्सक्यूज़ अंडरस्टैंड करवाने में फेल हो जाती है। एंड अल्टीमेटली सी इज़ रेडी फॉर द पनिशमेंट, उसके फादर रूम में आते हैं रूलर के साथ और उसको पनिश करते हैं, ठीक है। देन टेरिबली सी इज़ पनिश्ड, ठीक है। और फिर उसकी ग्रैंड मदर जो है उसको कम्फर्ट करने के लिए आती है और फिर वो ग्रैंड मदर से रो रो कर बोलती है कि ग्रैंड मदर, गॉड ने फादर्स को क्यों बनाया। इसके साथ एक और वो ऐसा क्वेश्चन इसलिए भी करती है क्योंकि एक इवनिंग उसके नेबर्स थे मैकडोनल्ड्स, ठीक है, उसके नेबर्स थे मैकडोनल्ड्स जो उसके नेक्स्ट डोर में रहते थे। वो देखती थी कि वहाँ पे उसके फादर अपने 5 बच्चों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय करते हैं, लाफ करते हैं, सब फैमिली जो है वो खुशी खुशी एक साथ एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कूदते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर किसी को डांट नहीं पड़ता, कोई उसके फादर के जैसा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो वो देखती है और उस टाइम उसको ये एहसास होता है कि सारे फादर्स एक सा नहीं होते। तो एट लास्ट वो इस बात को कंक्लूड करती है कि कुछ फादर जो होते हैं वो केयरिंग होते हैं, कुछ फादर्स लविंग होते हैं मिस्टर मैकडोनल्ड्स की तरह, और कुछ फादर जो है वो हार्श होते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट होते हैं, रूड होते हैं केजिया के फादर की तरह, ठीक है। तो हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, उसके फादर का एटीट्यूड्स जो है वो उसकी तरफ से चेंज होते जाता है। एक बार ही क्या हुआ कि हर मदर, मतलब केजिया की मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, वो बीमार हो गई। तो केजिया अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपनी माँ को हॉस्पिटल देखने के लिए भी गई। तो उसी दौरान की बात है कि ये लिटिल गर्ल जो है वो घर में अकेले कुक के साथ उसको रहना पड़ रहा था, ठीक है। तो केजिया जो है उसके लिए कंफर्टेबल था कि हाँ चलो वो दिन में अकेले रह पाएगी, दिस इज़ द मैकडोनल्ड्स फैमिली, सी इज़ पीपिंग एंड सी इज़ एन्जॉइंग द सिनेरियो,
ठीक है, इसी टाइम में वो रियलाइज करती है। तो वो जो है वो केजिया जो है वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि दिन में वो अकेले है, बट द नाइट टाइम सी यूज टू गेट नाइटमेयर, उसे डरावने सपने आते थे, ठीक है, एंड सी वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल विद डैट। तो एलिस को बोलती है कि मैं अकेले नहीं सो सकती, मुझे अंधेरे से डर लगता है, और जब नाइटमेयर आती है तो मुझे ग्रैनी जो है वो अपने बेड पे अपने सीने से लगा के सुला देती थी, ठीक है। तो जो कुक थी एलिस वो बोलती कि कुछ नहीं होगा, यू जस्ट गो एंड स्लीप, और फिर वो उसके मोज़े उतार के उसे सोने के लिए वहाँ पे उसके बेड पे रख देती है। बट व्हाट वाज दैट, द पुअर चाइल्ड सी वाज नॉट एबल टू कोप अप, ठीक है, उसको नाइटमेयर फिर से आया। रात के बीच में एट द मिडल ऑफ द नाइट सी वॉज फेसिंग द नाइटमेयर एंड सी वॉज वेरी अफ्रेड। उसने नाइटमेयर में देखा कि एक बुचर है, उसके हाथ में नाइफ है, रोप है, और वो आदमी, वो बुचर जो है वो उसके नज़दीक आ रहा है एक टेढ़ा सा स्माइल देकर, और इस चीज़ को वो स्टैंड नहीं कर पाई और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगी, ग्रैंड माँ, और वो काँपते हुए उठ गई। जब वो काँप कर उठती है तो वो देखती है कि उसके फादर जो है उसके बेड के पास खड़े है कैंडल लेके। फिर उसके फादर जो है उसे पूछते हैं कि केजिया व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। फिर वो अपने फादर को बताती है कि फादर मैंने एक नाइटमेयर देखा वो बुचर और नाइफ का। फिर उसकी फादर जो है उसको कैरी करते हैं और उसको गोद में उठा के अपने बेडरूम में ले जाते हैं, जहाँ पे वो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करती है और अपने फादर के बेड पे बहुत ही आराम और वार्म महसूस करती है। उसके बाद फादर जो है उसको कहते हैं कि वो अपना फीट को जो है वो अपने फादर की फीट में रब कर सकती है ताकि उसे और वार्म महसूस हो। इस तरह से वो रात जो है केजिया जो है वो अपने फादर, स्पेशली अपने फादर के साथ स्पेंड करती है, वो फादर के साथ, ठीक है, जो फादर से उसको बहुत डर लगता था। आज वो फादर उसको स्नगल किए हुए है, ठीक है, सीने से लगा के उसे सुलाए हुए है अपने पास, बल जबकि थकान की वजह से उसके फादर पहले ही सो गए थे उससे, केजिया से। बट केजिया जो है वो इस सिनेरियो देख कर ये चीज़ से और कंफर्टेबल महसूस करके, सेफ महसूस करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके इस हादसे के बाद जो है केजिया ने ये रियलाइज़ किया दैट हर फादर वॉज नॉट अ बैड पर्सन, कि केजिया के फादर भी जो है वो एक बुरे इंसान नहीं है, और उसके फादर भी जो है वो केजिया को बहुत ही प्यार करते हैं, ठीक है, और बहुत ही केयर करते हैं, बट उनका तरीका जो है वो अलग है। वो औरों के फादर की तरह भी उसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं, बट जो तरीका है शो करने का वो क्या है थोड़ा सा अलग है। मोर ओवर केजिया ये सोचती है कि उसके पापा दिन भर पूरा दिन होल डे काम करते हैं फैमिली के लिए, ताकि फैमिली को अच्छा खाना रहना सहना मिले, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही थक जाते हैं, इसलिए वो मैकडोनल्ड्स की तरह शाम उसके साथ खेल नहीं पाते। तो ये चीज़ जो है वो एक यंग चाइल्ड जो है वो रियलाइज़ करती है, ठीक है, कि उसके फादर जो है उसको मोहब्बत और प्यार बिल्कुल करते हैं, और उन दोनों के बीच भी जो रिलेशनशिप है पेरेंट्स और चिल्ड्रन का जो बॉन्डिंग है वो भी क्या है, गहरा है। तो इस तरह से आप लोगों के साथ भी होता होगा, बट आप लोग ये रियलाइज़ करिए कि पेरेंट्स जो है वो कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते। डिफरेंट पेरेंट्स हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स टू शो देयर लव, तो दैट इज़ वाई हम लोगों को कुछ भी सोचने से पहले अच्छी तरह से ये सोच लेना चाहिए दैट कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ब्रेन में आने से पहले हम लोगों को सारे हालात को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। सो दिस लिटिल गर्ल इतनी छोटी थी पर फिर भी उसने अपने पेरेंट्स, अपने फादर की सिचुएशन को समझा और रियलाइज़ किया दैट ही रियली लव्स हर डॉटर। ओके, थैंक यू।